इलेक्ट्रिक वायर लगी है वहां से लेकर पूरे क्रोकोडाइल को कितना बड़ा मोटा सा बनाया बना हुआ है। दोस्तों मैं लाइव शो में आई हूँ। टिकट्स की लाइन में लग गए हम लाइट शो क्राइस्टचर्च में जा रहे हैं। हम ये देखो लाइट शो का एंट्रेंस हो रही है। तो एंट्रेंस पे ही मिल गए हमें इलेक्ट्रिक मैन और अद्विका ने उससे हाथ मिला रहे। देखो इलेक्ट्रिक वायर लगी है वहां से लेकर पूरे। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पहाड़ी काबिज पे। हाँ, और आज का वीडियो बहुत अंधेरे वाला होने वाला है क्योंकि सब अंधेरे अंधेरे में आए हैं। इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं और आए लाइट शो में, तो लाइट्स का भरपूर इस्तेमाल करेंगे हम। और अभी हम क्राइस्टचर्च के बोटेनिकल गार्डन में देखिए रात के सारे नज़ारे आपको दिखाएंगे, आज क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं अंदर। और बेसिकली क्राइस्टचर्च का एक मेला ही है एक हिसाब से, लाइट मेला। लास्ट ईयर आया था पर उसका व्लॉग हमने बनाया नहीं। नहीं, हाँ कोशिश पूरी थी, हाँ, बट हुआ नहीं। पर अभी देखते जाओ आप। इल्यूमिनेट लाइट शो, इल्यूमिनेट कंपनी का नाम है। स्टार्टिंग में देखो कितने अच्छे अच्छे जिन्होंने पेड़ों की तरह बनाए हैं ये लाइट्स के सारे पिछली बार के भी वीडियो पड़ा है मेरे पास, बनाया रिलीज नहीं किया। दोनों साथ में करने हैं। सारी हमारी मंडली ग्रुप मंडली फिर पहुंच गई है। कीर्तन वाले आज शाम को एंजॉय करने आ रहे हैं और देखो सबसे बड़े स्टाइल मार के आ रहे हैं। जल्दी करो बारिश में भी इनको। वो देखो छोटी छोटी लाइट्स लगाई हैं पर बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, देखो कितना सुंदर है। डांस बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, इतने अंधेरे में थी बारिश में, पर इतनी अच्छी चकाचौंध दे देखो कितना अच्छा से लग रहा है। महल में शादी जा रहे शादी हैं, शादी लगी है, शादियों में लगा होता ना। ये मशरूम देखिए आप, लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है, पूरे इतने बड़े अच्छे अच्छे मशरूम लग रहे हैं रात को, बिल्कुल चमकते हैं। वो आगे फिश जो बनाई कितनी अच्छी लग रही है। ओ वाह, इस साइड देखिए कितनी अच्छी स्टार फिश थी बनाई है इन्होंने यार। ये रात को भी मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कितना यूनिक एक्सपीरियंस है ना लाइट्स का, यही है। हाँ, और ये देखो फिश प्यारी है, ये स्टार फिश की तरह लग रही है। तभी क्रोकोडाइल जैसे लग रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है वाला। सी अभी चल पड़ी, अब प्रेस नहीं करने, आदमी ने प्रेस नहीं कर दिया। 1 2 3 इट्स नॉट डूइंग। ओह चलो लेट्स गो। कांक्षा मैं आपको एफिल टावर तो लेने गया पेरिस में, बट आज इस जगह पे लेके आया जहाँ पे मैं एफिल टावर आपको घुमा ही दूंगा आखिरकार। अच्छा, हाँ चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आज यहाँ के एफिल टावर पे। न्यूजीलैंड में होपफुली आपको आपको पसंद आए। अच्छा, हाँ जी, मैं भी एक्साइटेड हूँ कि न्यूजीलैंड में भी एफिल टावर। हाँ देखिए बिल्कुल, ये चलिए ये पहुँच गए हम एफिल टावर। थैंक यू अभिनव, देखा मैंने आप, मैंने आपकी मैंने आपकी विश पूरी कर दी ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्रोकोडाइल को कितना बड़ा मोटा सा बनाया बना हुआ है। ये भी बड़ा, ये है वो ज़ेब्रा, ये है आपका लाइन जैसा ही लग रहा है टाइगर। हाँ, और ये वो ये जिराफ, और इस साइड ने सुंदर ये बनाए हैं।
दो रैबिट यहाँ पे बनाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है सच में रैबिट बैठे हुए हैं। और ये देखो, ये देखो पैरट्स, आर्टिफिशियल राइट्स के पैरट्स। और इन्होंने इसका ना साइंड साउंड इफेक्ट भी अच्छा, काफ़ी अच्छा बनाया। आवाज जा रही है वहाँ से, देखो ये देखो, ऐसा लग रहा है रियलिटी में कहीं पैरट्स हैं अंदर, पर ये सारे लाइट्स के हैं। दोस्तों अपने कमल के फूल तो काफी देखे होंगे, आर्टिफिशियल भी देख लो लंबा है। कितना सुंदर बनाया इन्होंने, पूरा पानी है उसके बीच में, कमल के फूल भी पूरे लाइट से सजाए हुए। गैलेक्सी के बीच में किसी ने दस्ताना फेंक दिया है यहाँ पे। तो मेरे पीछे कितना अच्छा सोलर सिस्टम बनाया है, एस्ट्रोनॉट बनाया है, पूरा हमारी जो साइंस हमने पढ़ी इन्होंने सारी यहाँ लगा दी है वो बनाकर, तो बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छा। मैं दिल खुश हो रहा है, जिस जिस पार्ट में जा जा पहुँच रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ एक नया। ये बटरफ्लाई का झूला, हाँ ये देखो बटरफ्लाई पूरी थीम बनाई है और वो हिल रहा है, देखो लोग बैठे, मतलब कितना इमेज बटरफ्लाई, जो भी उनका काम है बहुत अच्छा। अदबी और आशवी ने ले ली मैरी गो राउंड की टिकट, अब इस मैरी गो राउंड में बैठे। अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, खुशी जाहिर नहीं की जा रही है, वही है ना, डिनर करके आए, मस्त बच्चों का वीकेंड भी है और यहाँ ये सब चीज़ें एक्चुअली बहुत मिसिंग रहती हैं हम लोगों को, कभी कभी मौका मिलता है तो हम भी पूरा इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। कैसा लगा आपको मैरी गो राउंड में जाके? बहुत बढ़िया लगा, ऐसे बच्चे बन के दोबारा है टुक टुक टुक, और मेरे को वैसे भी हाइट और इनसे बड़ा डर लगता है जो फास्ट चलते हैं, सबसे तो सबसे बढ़िया था। अद्विका के साथ, बच्चों के साथ मम्मी भी जा सकती थी तो मैं भी चली गई। घूमते घूमते भूख लग गई, अब सोच रहे थोड़े से डोनट्स खाए जाए। डोनट्स मिल गए, यम्मी यम्मी डोनट्स। तो दोस्तों हमारा लाइट शो यहाँ पे फिनिश होता है क्योंकि अब रात के 10:30 बजे और उन्होंने बंद कर दिया ऑलरेडी। बट चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर हमारे चैनल को, फाड़ी कीवीज़ को।